नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील साहू, आप देख रहे हैं हमारी सोच न्यूज नेटवर्क। इस वक्त हम लोग खगड़िया जिला अलौली प्रखंड हरिपुर बाजार में, यहाँ का आपको जो दुर्गा मेला लगता है, लास्ट समय भी हमने वीडियो बना रहे थे इसमें जो कोरोना का समय था, और अभी भी बना रहे क्योंकि हम लोग दरभंगा जिला में रहते हैं, वहाँ से आने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। और रीजन ये है कि कल नहीं बना पाए, बारिश ज्यादा हो रही थी इसकी वजह से हम लोग नहीं पहुँच पाए, और आज बना है। इसलिए बना है क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर यहाँ के हैं और बहुत ऑडियंस है जो पुराना वीडियो देखते थे। अभी देख सकते हैं कि हमारे साथ काफी ज्यादा भीड़ है, श्रद्धालुओं का भीड़ देखिए। आसपास के बहुत सारे जो गांव होते हैं छोटे छोटे गांव, वो गांव के तमाम जो श्रद्धालु होते हैं वो अभी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। और ये मंदिर परिसर है, मेला का परिसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ से खचाखच भीड़ है। उसके बाद प्रशासन का हम बात करें, प्रशासन बहुत अच्छी काम कर रहे हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है जो कमेटी मेंबर है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको बताते चले कि सीसीटीवी का जो व्यवस्था होना चाहिए वो भी यहाँ पे सीसीटीवी का व्यवस्था है, और सिक्योरिटी का बात करें वो भी काफी ज्यादा है। तो तमाम जितना भी क्वेश्चन खड़े होते हैं वो सब खड़े यहाँ पे सही तरीके से किए जा रहे हैं। उसके साथ वहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ मूर्ति जो है वहाँ भी बनाया गया है, क्या चीज़ का उतना हमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि भीड़ ज्यादा है, नीचे उधर जाने में दिक्कत हो रही है। पर यहाँ पे भीड़ का बात करें, मेला का बात करें तो काफी ज्यादा लोग यहाँ पे हैं। और जो अभी का दिखाता हूँ मैं आपको, मेला के अंदर जो झूला वूला का व्यवस्था है वो अभी हम भी नहीं देखे, आगे चल के अगर होता है वो भी वीडियो आप तक हम पहुँचाते हैं। अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विक्रम कुमार केसरी है। अच्छा, यहाँ पे हरिपुर बाजार जो अलौली प्रखंड पड़ता है खगड़िया जिला, कितना सालों से यहाँ पे जो दुर्गा पूजा को संचालित मनाया जाता है यहाँ पे 1996 से यहाँ पे स्थापित हुआ है दुर्गा जी। किनके द्वारा, कोई नेता या पूरा ग्रामीण या इलाका के लोग? नहीं, उस समय में ये जो इलेक्शन होता था तो जो लोकल पॉलिटिक्स नहीं थी उस समय में, एमएलए एमपी का था तो उससे पहले ये स्थापित हुआ है। तो सारे समाज के लोग, सारे धर्म के लोग मिलकर यहाँ पे स्थापित किए दुर्गा जी को। और अच्छा, लास्ट साल दो सालों से दुर्गा पूजा बढ़िया ढंग से जो मनाना चाहिए नहीं हो पा रहा था, मेला का गवर्नमेंट तरफ से रूल नहीं था लगाने का, और इस साल सब रूल को हटा दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इस साल कितना श्रद्धालु आए होंगे यहाँ पे? श्रद्धालु जैसे 1996 से जैसे मैंने बताया कि स्थापित हुई तो यहाँ पे उसी समय से बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ थी श्रद्धालु भक्तजन। लगभग ये फरकिया का मार्केट है और हरिपुर पूरे अलौली ब्लॉक में बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट है, एक नंबर में है। तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती थी। जहाँ तक लॉकडाउन लगने के बाद, लॉकडाउन में तो खैर सरकार का जो रिस्ट्रिक्शन था उसके अनुसार समिति को फॉलो करना पड़ा, और उसके बाद इस साल तो वो दो साल का जो कहते हैं ना कि कसर सूद के साथ ब्याज सही, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हालांकि मौसम के कारण कल कुछ कम भीड़ लगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे 600 650 के आसपास कल बलिदानी हुआ, छागर बलि का जो कार्यक्रम था, मुंडन संस्कार का भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो उसके अनुसार देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ लगती है, और यहाँ पे जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी व्यवस्था है क्योंकि अलौली ब्लॉक में सबसे शिक्षित एरिया है ये। और एक सवाल रहा कि देखा जा रहा है कि इतना जब भीड़ लगता है यहाँ पे, मेंटेन करने के लिए क्या क्या आपके पास सुविधा मुहैया कराया जा रहा है यहाँ पे? सुविधा के लिए हमारी पूजा समिति जो है वो लगातार काम करते रहती है, लगभग एक सप्ताह पहले हर चीज, हर कॉलम का रूपरेखा तैयार करती है बाय ऑन पेपर। दैट्स व्हाई पुलिस प्रशासन कॉपरेट करती है। उसके बाद अभी जैसे कि आपका झूला का एरिया हो गया, चौक चौराहा हो गया, मंदिर परिसर, सब अलग अलग टीम बना करके यहाँ पूजा समिति के द्वारा जो स्वयं सेवक बंधु हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्य, सारे आदमी मिल करके और पूरे कॉपरेशन के साथ, स्वयं सेवक संघ है, महिला स्वयं सेवक है जो आपके सामने एक देख भी रहे हैं, तो सारे मिल करके यहाँ पे वो कॉपरेट करते हैं और सबका मैनेजमेंट के हिसाब से कितने टाइम में कौन आदमी सहयोग करेंगे, और सबका सेवा लिया जाता है और सब अपने दिल से सेवा देते हैं और किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो।
अपना नाम बताइएगा। सुमन कुमार। आप व्यवस्थापक है या श्रद्धालु है? मंदिर के पुजारी में प्रसाद चढ़ाने वाले। अच्छा, व्यवस्थापक के मान के चले तो पुजारी। आपको क्या लगता है कि इस साल जो है पिछले दो सालों से उतना श्रद्धालु नहीं आ पाए थे और इस साल काफी ज्यादा लोग आए, और देखा जा रहा है बाजार के बीच में मंदिर है, मेला लगता है, जो भीड़ का मेंटेन करने के लिए जो ऊंचा लेवल का जो मेंटेन करने के अधिकारी होना चाहिए नहीं है, हमारे टाइम में काफी ज्यादा भीड़ हमें दिखी। देखिए, भीड़ तो मेला है तो भीड़ तो लगेगा, और भीड़ में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसके वजह से भीड़ लगता है, और स्वाभाविक है कि भीड़ लगना चाहिए, क्योंकि साल में एक बार मेला होता है। दुर्गा माँ की कृपा से सभी जगह के हमारे आस पड़ोस के काफ़ी दूर बकरी मान लीजिए वहाँ के भी स्थानीय लोग यहाँ पे आते हैं। इसमें ज़्यादातर हमारे पुलिस प्रशासन काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उससे ज़्यादा हमारे जो स्वयं सेविका है और मेला समिति। आपको रोक रहा हूँ, आप पुजारी है यहाँ का, यहाँ पे कौन कौन माता देवता देवी और देवता का मूर्ति स्थापित किया गया है? दुर्गा माता का हो गया, लक्ष्मी माता का हो गया, शंकर भगवान का हो गया, हमारे पूजनीय गणेश जी का हो गया, उसके बाद कार्तिक जी, ये सभी मिनिमम 7-8 मूर्ति।